जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुराग रिव्यूज एंड टेक में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपसे टाटा इस गोल्ड VS6 मॉडल के बारे में। जो लोग कमर्शियल व्हीकल खरीदते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये मॉडल, और ये स्मॉल कमर्शियल व्हीकल होता है एक। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो के माध्यम से जो कमर्शियल व्हीकल लोग खरीदते हैं, जानना चाहते हैं कमर्शियल व्हीकल के बारे में, वो मेरी वीडियोज़ के माध्यम से वो भी जान पाए, और इसीलिए मैं ये वीडियोज़ अपने चैनल पर लानी शुरू कर चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो में मैं आपको इस स्मॉल कमर्शियल व्हीकल छोटे ट्रक के बारे में सभी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, कितनी इसकी प्राइस है, कितना इसका माइलेज है, कितनी इसकी टॉप स्पीड है, कितना क्या इसका इंजन स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो उसको डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ सबसे पहले इसका इंजन की। देखिए इसमें आपको टू सिलेंडर 702 सीसी का डीजल VS6 इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 20 HP 3600 RPM पर, और इसमें आपको टॉर्क मिलता है 45 न्यूटन मीटर का, वो मिलता है 2000 RPM पर। तो ठीक ठाक पावर ये प्रोड्यूस कर देता है। चार स्पीड गियर बॉक्स इसमें मिलते हैं, मतलब चार गियर मिलते हैं, फोर स्पीड गियर बॉक्स मिलते हैं इसमें। अगर दोस्तों मैं बात करूं ब्रेक्स की, तो ब्रेक्स इसमें मिलते हैं आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स। तो ब्रेकिंग पावर इसकी ठीक ठाक होती है। GVW की अगर बात करूँ तो इसका जो GVW है वो है 1670 किलोग्राम का, और जो इसकी पे लोड कैपेसिटी है, मतलब कि कितना वजन ये ले सकता है एक बारी में, वो है 750 किलोग्राम। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो है 160 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। इसके अलावा जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, कितना फ्यूल आप इसमें भरवा सकते हैं, फुल कितना आ जाता है, तो वो 30 लीटर का इसमें आता है, क्योंकि छोटा एक व्हीकल है, कमर्शियल जो व्हीकल होते हैं उसमें छोटा व्हीकल है, तो उसी हिसाब से फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इसकी थोड़ी कम ही दे रखी है। टायर इसके छोटे होते हैं, 12 इंच के टायर होते हैं इसमें सिर्फ। अब दोस्तों जो ज़रूरी बात है वो है माइलेज की। अब मैं आपको बताऊँ, जो टाटा ने क्लेम किया है वो ये क्लेम किया है कि जो BS4 जो मॉडल आता था इसका, उससे 20% अधिक माइलेज देगा ये BS6 मॉडल। तो मेरे हिसाब से जो इसका माइलेज आता है उसमें अगर 20% हम ऐड कर देते हैं तो लगभग इसका जो माइलेज आएगा वो आएगा 20-21 किलोमीटर पर लीटर का। BS4 से अगर मैं कंपेयर करूँ, 20% अलग अधिक अगर हम कर देते हैं तो 20-21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगा ये कम व्हीकल, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अब इसकी अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ, तो जो इसकी टॉप स्पीड है वो ज़्यादा 60-65 किलोमीटर पर आवर की होती है। और जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है इसका प्राइस। तो ऑन रोड प्राइस मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको व्हीकल है ये आपको लगभग 6 लाख रुपए का ऑन रोड मिल जाता है। बाकी जो एग्जैक्ट प्राइस है, जो बिल्कुल सही प्राइस है, वो आप जो आपके पास में जो शोरूम है टाटा का, जो कमर्शियल व्हीकल का शोरूम होता है, वहाँ जाकर आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो पहली बारी से चेंज किया गया है, कम्फर्टेबल है, परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा है, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल को देखते हुए परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, उबड़ खाबड़ रास्तों में भी ठीक ठाक काम करता है, बहुत अच्छे से नहीं करता, ठीक ठाक काम करता है, मतलब ज़्यादा लोड आप इसमें नहीं दे सकते, तो छोटे स्केल पर ही काम करता है, तो उसके हिसाब से सब कुछ बेटर है। तो दोस्तों ये थी सब डिटेल इस व्हीकल के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ कि ये तीनों वेरियंट में ये आपको व्हीकल मिल जाता है, डीजल, पेट्रोल और CNG, तीनों तरह से आपको ये मिल सकता है। तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो अगर इस व्हीकल के बारे में तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, टेक केयर।